Good morning, all of you. The most interesting chapter in calculus. Interesting. I'm not saying logical. Interesting जिसे करने में बहुत मजा आता है. कोशिश की जाएगी कि तकरीबन 1000 से 1500 क्वेश्चन आपको इसके अंदर कराए जाएं सिंगल चैप्टर इंटीग्रेशन के अंदर, जिसमें जी एन बर्मन नाम की बुक का सबसे बड़ा रोल है. जी एन बर्मन याद आ रहा है? भूल गए थे. ठीक, वो बहुत बुरी तरीके से सॉल्व कराई जाएगी जी एन बर्मन. ठीक है, इंटीग्रेशन की जब बात आई तो इसे दो हिस्सों में बांटा गया है इंटीग्रेशन को. इंटीग्रेशन है क्या? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट, जोड़ना. ठीक है, सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ समेशन. जो कंटिन्यूस समेशन होता है उसे ही इंटीग्रेशन कहा जाता है. कंटिन्यूस समेशन बहुत सालों पहले, जो आप लोग फिजिक्स नाम की एक चीज़ है, मैंने बार बार कहा है कैलकुलस जो है वो फिजिक्स की हेल्प के लिए है. एक्चुअली इंटीग्रेशन भी फिजिक्स की हेल्प के लिए है. कभी कभी आपको जब वर्क डन निकालना पड़ता है, नाम सुने सुने से लगे ना थोड़ा रिस्पॉन्स किया, अगर मेरी शकल मत घुरा करो. तो वर्क डन कभी कभी निकालना पड़ता है, तो आप लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो कर्व बनता है उसका एरिया बाउंडेड बाय द कर्व निकालते हैं बेसिकली. ठीक है, एरिया बाउंडेड. अब आप लोग तो क्या है कि आप लोग तो स्मार्ट हैं, इसलिए आप उसे ए से बी डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देते हैं. सही है, बट जो सबसे पहले इंसान आया होगा, सबसे पहले कुछ सफेद साड़ी तो आई नहीं होगी ना उसके पास, कान में फूंक गई होगी रात को आके, बेटा ऐसा कर लेना ये हो जाएगा. उसको अगर ये समझ में आया कि इसका एरिया वर्क डन दे सकता है, तो उसने पहले ये सोचा कि ये एरिया कैसे निकाला जाए. तो इस एरिया को निकालने के लिए इसने इसे कुछ इक्वल स्ट्रिप्स में डिवाइड किया. मेरी बातों पे थोड़ा ध्यान देना, किस में डिवाइड किया? कुछ इक्वल स्ट्रिप्स में. इसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं. हम तो एफ ऑफ एक्स के लिए काम करते हैं, तो हम तो उसी के लिए करते हैं. y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मान लिया. मुझे निकालना था टारगेट. आई विश टू फाइंड एरिया बाउंडेड बाई y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड x एक्सिस बिटवीन टू ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b. यानी कि मेरे को ये वाला एरिया निकालना है. ठीक है, ये कोई ज्योमेट्रिकल स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल फिगर ना होने की वजह से मैं किसी डायरेक्ट फॉर्मूले से इसका एरिया नहीं निकाल सकता था. क्या हुआ? ये कोई स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल फिगर तो है नहीं ना. कोई ट्रेपेजियम टाइप की चीज़ होती तो मैं डायरेक्ट पैरेललोग्राम होता, रॉम्बस होता, तो शायद मैं एरिया निकाल लेता, बट ये कुछ है नहीं, ये कर्वेचर है ना. तो चूंकि ये कोई स्टैंडर्ड फिगर नहीं है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे एन इक्वल स्ट्रिप्स में डिवाइड करूंगा. एन इक्वल स्ट्रिप्स ऑफ लेंथ ऑफ विड्थ लेट से एच ऑफ विड्थ एच. तो इसके इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स ए हुआ, इसका ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, ए प्लस थ्री एच, ए प्लस फोर एच एंड सोन 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 ए प्लस एन एच. थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने में कि ए प्लस एन एच कैसे हुआ. मैं आपको सस्ते में समझाता हूँ. ये टोटल विड्थ हुई बी माइनस ए. मान रहे हो नहीं मान रहे हो? अगर हर स्ट्रिप एच विड्थ की और एन इक्वल स्ट्रिप से, तो टोटल विड्थ एन एच होनी चाहिए. तो बी इज इक्वल टू ए प्लस एन एच. तो इससे पिछला वाला ए प्लस एन माइनस वन एच. जनरली बता रहा हूँ, जनरली ये चीज़ से इसलिए बता रहा हूँ कि शहर में किसी और की कॉपी देखो तो इस बात की फीलिंग ना है कि हमारे मास्टर को तो आता नहीं था. आता है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ाया जाता है प्रोसेस ऑफ समेशन. मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि प्रोसेस ऑफ समेशन क्यों बोला गया कि इंटीग्रेशन को, क्योंकि जब ये एरिया, आप लोग तो इंटेलिजेंट हैं, आप लोग तो इंटीग्रल एफ डी एक्स ए से भी जहाँ से जहाँ तक आपको निकालना है वो करते वक्त कभी तो निकाला होगा भाई गलती. मास्टर को तो निकालते हुए देखा हो, खुद ने नहीं निकाला तो. मास्टर ऐसे निकालता है इंटीग्रेशन से. ठीक है, लेकिन अगर इसे तोड़ तोड़ के निकाला जाए तो दिस कैन बी इक्वल्स टू, ये जो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स आप लोग जो निकालते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी इक्वल्स टू. देखो भैया सुनो, ये जो स्ट्रिप्स हैं ये बहुत छोटी छोटी मानी गई, तो अगर ये बहुत छोटी स्ट्रिप मानी जाए तो इन्हें एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप माना जा सकता है. कैसी स्ट्रिप्स? रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स. इसके लिए क्या किया गया? यहाँ से ऐसे जोड़ दिया गया. इसको डिटेल में, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसे डिटेल में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं. प्रोसेस ऑफ समेशन इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन.
पहले इंसान को इसकी जरूरत महसूस हुई इसलिए पहले इसका डेवलपमेंट किया गया, पहले ये आया मार्केट में डेफिनेट इंटीग्रेशन, बट वो तो साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन जो भी मान लो यार, वो लोग तो दिमागी रूप से आपको पता है क्या होते हैं, हम लोग तो पढ़े लिखे ना भाई साहब। इंटीग्रेशन की जो सेकंड ब्रांच है दैट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, नाम जरूर सुना है आपने, ये वाली चीज जरूर पता है आपको, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अरे भैया इंटीग्रेशन क्या है? इट्स रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, वो होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। चूंकि हम लोग समझदार प्राणी हैं इसलिए हम लोग पहले इनडेफिनेट पढ़ते हैं, मार्केट में पहले डेफिनेट आया है क्योंकि इंसान को इस चीज के लिए जरूरत महसूस हुई ना भाई साहब। एरिया कैसे निकालें? एरिया निकालने के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन आया, जो मैं समझा रहा था। ये तो अपन लोग करते हैं फिजिक्स के अंदर, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। मैथ्स के अंदर ये आया कैसे, जिसके लिए आपको एनसीईआरटी में 6 नंबर मिलेंगे? आया कैसे भाई साहब? ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया, ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया, इन्हें रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स माना जा सकता है। ये फर्स्ट वाले जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है ना, इन सबकी विड्थ एच है। सबकी विड्थ क्या है? फर्स्ट वाली रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की हाइट एफ ऑफ ए, सेकेंड वाले की एफ ऑफ ए प्लस एच, थर्ड वाले की एफ ऑफ ए प्लस टू एच, और लास्ट वाली रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच। ए प्लस एन एच नहीं, ए प्लस एन एच तो यहाँ रे, उससे पिछली वाली हाइट तो यही दे देगा ना। नहीं समझ आ रहा है क्या? एच को इनकी हाइटों से मल्टीप्लाई करोगे तो इन रेक्टेंगल के एरिया आ जाएंगे, सबको जोड़ दोगे तो पूरा एरिया आ जाएगा, और लिमिट ले लेंगे, अगर लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये जो एरर है ना, एरर वो नेगलिजिबल हो जाएगी, जीरो नहीं कह रहा मैं, नेगलिजिबल हो जाएगी, बट आफ्टर लिमिट वी गेट द एग्जैक्ट आंसर, तो एरर फिनिश मानी जाएगी, एरर खत्म। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो ओरिजिनेशन है, जो मैं कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर आपको याद हो तो ऐसा ही कुछ काम हमने डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल में भी किया था। आया कहाँ से? लिमिट से। पीछे तो लिमिट ही है भाई साहब, बैक में तो लिमिट ही है। वो तो अलग बात है कि आप लोगों को साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स पता है, डायरेक्ट लिमिट लगाए तो मस्ती से आंसर ले आते हो, चौड़े हो जाते हो। आया कहाँ से? लिमिट से। आया कहाँ से? लिमिट से। ये देखो लिमिट लगा रहे, लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी या फिर एच अप्रोचिंग जीरो, एक ही बात है। एन और एच का रेसिप्रोकल रिश्ता है। मास्टर हमें तो दिख ही नहीं रहा, अभी यहाँ देख ध्यान से। एन इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एच, बी माइनस ए एक फाइनाइट क्वांटिटी जहाँ से लेके जहाँ तक आपको इंटीग्रेट करना है, अपॉन में एच। एन अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो एच जीरो की तरफ जाएगा, एच जीरो की तरफ जाएगा तो एन इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, दोनों के आपसी रिश्ते हैं। तो एन इन्फिनिटी की तरफ, एच जीरो की तरफ, समेशन एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच, वेयर आर इज डांसिंग फ्रॉम वन टू एन, नहीं जीरो टू एन माइनस, आर की जगह जीरो रखूंगा तो ये एफ ऑफ ए बनेगा फर्स्ट स्ट्रिप, वन रखूंगा तो एफ ऑफ ए प्लस एच बनेगा सेकेंड स्ट्रिप, एन माइनस वन रखूंगा लास्ट स्ट्रिप। शुरू से लेके एंड तक सारी स्ट्रिप्स के एरियाज को जोड़ के अगर उस पर लिमिट अप्लाई कर दिया जाए तो ये वही वैल्यू आती है जो हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन से मिलती है। इसकी ज़्यादा डिटेल जानकारी डेफिनेट इंटीग्रेशन में की जाएगी, अभी सिर्फ समझाया है व्हाई इंटीग्रेशन इज आल्सो कॉल्ड प्रोसेस ऑफ समेशन। छोटे 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 टुकड़ों को जोड़ के जो कलेक्ट किया जाता है बक्सा, दैट इज इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का मीनिंग है। दूसरा मीनिंग मेरे लिए इंटीग्रेशन का, इट्स रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। हम पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं फिर उसी पे तो लिमिट लगाएंगे, है ना? इतना तो आपको फिजिक्स वालों ने डटा रखा भाई। सो स्टार्ट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन।